तो आज का सवाल यही है कि कोरोना के संक्रमण से कैसे बचेगा प्रदेश, और वक्त बहुत कम है। वीरेंद्र सिंह सीधे आपके पास आ रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आप कुछ सुझाव तो दीजिए, क्या करे बीजेपी, क्या करें सोनकर जी ताकि ये संक्रमण खत्म हो, राजनीतिक बहुत मौके मिलेंगे। देखिए, इस संकट से निजात पाने के लिए अगर ठीक ढंग से इसका मैनेजमेंट नहीं किया गया, ठीक ढंग क्या होता है तो ये संकट ठीक ढंग, वही तो पूछ रहा हूं, आप ठीक ढंग बताइए क्या है ठीक ढंग। ठीक ढंग ये है कि यदि यदि एक तरफा निर्णय लिया जाए, जैसे कि अभी इन लोगों ने सप्ताह में 2 दिन बंद कर दिया, अब आप व्यापारी की दृष्टि से देखिए, छोटे व्यापारी की दृष्टि से देखिए, तो वो दुकान खोलता है, एक दिन उसकी दुकान बंद रहती है, एक दिन दुकान उसकी दूसरे दिन खुल जाती है, फिर तीसरे दिन बंद हो जाती है। और जी, एक तरफा निर्णय क्यों लोग लेते हैं आप लोग, पूरे महीने का इतना बड़ा, जब इतना बड़ा बड़ी आपदा है। तीसरी बात यह है, उसका जो बिजली के बिल है, इस पर कोई चर्चा नहीं। ठीक है सोनकर जी, एक तरफा निर्णय क्यों लेते हैं आप लोग, क्या महामारी हो रही है, क्या खरीद हो रही है इसका किसी तरीके से, ये जब तक कि वो आप सारे लोगों के देखिए। अवधेश जी, निवासी उत्तर उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने हमको निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। इनकी बेचैनी यही है कि जनता ने इनको नकार दिया है। अरे विपक्ष बच्चे ही नहीं है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जान है तो जहां है, तो बंद नहीं और जो सप्ताह में 2 दिन जो बंद कर रहे हैं, उससे सबसे बड़ा फायदा ये है, जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने में सबसे बड़ी सहायता इसमें मिलने वाली है। अब ये लोग ना समझे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सप्ताह में 2 दिन बंद करके हम तो केवल चैन तोड़ेंगे, जनता में जागरूकता लाएंगे, और ये आज जब तक दवा नहीं बन जाती तब तक इसके पास हम कोई विकल्प नहीं है। मैं बीजेपी को सलाह नहीं दे पाए, मैं बीजेपी कांग्रेस वालों को सलाह दे रहा हूँ, मैं कांग्रेस वालों को सलाह दे रहा हूँ कि केवल टीवी पर डिबेट करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं, जनता में जागरूकता पैदा करें, और अगर इनको ज्यादा सुझाव देने का शौक है तो जरा महाराष्ट्र की सरकार को सुझाव दें, जहां पर सबसे ज्यादा है, इनके सुझाव की जरूरत महाराष्ट्र में है, इनके सुझाव की जरूरत राजस्थान में है, अगर उसके बच्चे को भूख लगेगी तो ज्यादा निकलेगा। ठीक है, जान भी बचाना जरूरी है, जहान भी बचाना जरूरी है, लेकिन सियासी तौर पर देखने का टकराव होगा तो फिर सवाल उठते हैं कि इतनी बड़ी महामारी से कैसे बचेगा देश और प्रदेश, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। लेकिन फिलहाल अभी सभी जो सिरे हैं वो निरुत्तर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी राय पेश करने के लिए, इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान।